qualitative analysis part 2, salt analysis part 2, there is cationic analysis, analysis of cations. हमने पहले analysis of anions देखा था. Anions are the part of acids, जैसे HCl, CH3COH, HBr, HI, तो HNO3, वहां से कुछ आते हैं हमारे पास anions. अब जो cations है, basically, they are the part of precipitate. जनरली वो प्रिसिपिटेट के पार्ट होते हैं या बेस के पार्ट होते हैं. बेस मीन्स लेट्स से वी हैव PbOH होल ट्वाइस, मतलब मेटल के केटायंस, AlOH होल ट्वाइस, CH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, KOH, NaOH, NH4OH. सो व्हेनेवर वी आर हैविंग सर्टेन बेस, जो भी बेस से हमें मिलेगा वो केटायन मिलेगा OH- सेपरेट करने के बाद. तो एसिड से एनायन और केटायन फ्रॉम बेस, इन्हें बेसिक रेडिकल्स भी कहा जाता है. उन्हें एसिड रेडिकल्स कहा जाता था, इन्हें बेसिक रेडिकल्स. ऑल द बेसिक रेडिकल्स आर डिवाइडेड इन सेवन ग्रुप्स, ग्रुप वन टू ग्रुप सिक्स, देन ग्रुप जीरो. उन्हें कुछ इन सेवन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन सा किस ग्रुप में है. सो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टफ रहेगा, बट जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे चीजें वापस से रिपीट होते जाएंगी, रिलेट होते जाएंगी, तो तुम्हें इजी लगने लगेगा. ग्रुप वन, देयर आर थ्री बेसिक रेडिकल्स इन ग्रुप वन, थ्री केटायंस, Ag+, Pb2+, Hg2+. जनरली वहां पे गैस रिलीज हो रही थी, उसका एनालिसिस कर रहे थे. व्हेन वी एड ग्रुप रिएजेंट इन केटायंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस. यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बनेंगे AgCl, PbCl2, Hg2Cl2, और प्रिसिपिटेट का कुछ कलर होगा और उनके कलर के बेसिस पे प्राइमरी उनका आइडेंटिफिकेशन होगा, देन फर्दर उनकी टेस्टिंग होगी फाइनलाइज करने के लिए कि ये केटायन है, कंफर्मेटरी टेस्ट होगा बेसिकली. इज दैट ओके? मतलब एक बेसिक आइडिया हमें समझ में आया. ग्रुप सेवन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, हर ग्रुप का अपना एक ग्रुप रिएजेंट है और ग्रुप रिएजेंट के बेसिस पर जब भी हम ग्रुप रिएजेंट ऐड करेंगे वी गेट प्रिसिपिटेट्स ऑफ द सॉल्ट्स. इनके जो भी केटायंस उनके प्रिसिपिटेट बनेंगे, उनका डिफरेंट कलर देख रखा है प्रेसिपिटेट का. प्राइमरी जो आइडेंटिफिकेशन होगा बेस्ड ऑन दिस कलर, इन कलर के बेसिस पे होगा, देन कंफर्मेटरी टेस्ट रिक्वायर्ड होगा. यू डोंट नीड टू राइट एज ऑफ नाउ, मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे ग्रुप पे, तुम बैठ के लिख लेना. चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तो थोड़ा सा लिंक बना रहेगा. और ध्यान रखना जिस दिन जो पढ़ाया गया उसी दिन लिख लेना, मतलब बाद के लिए छोड़ोगे तो फिर छूट जाता है. येलो अमोनियम सल्फाइड, येलो अमोनियम सल्फाइड लिखा हुआ है. इसका जो फॉर्मूला है जो प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, देयर इज NH4 अमोनियम होल ट्वाइस SX. अब ये जो SX है दैट कैन बी वन सल्फर एटम, इट कैन बी टू सल्फर एटम, इट कैन बी थ्री सल्फर एटम एंड सो ऑन. क्लियर? उसे अमोनियम, येलो अमोनियम सल्फाइड बोलते हैं. दिस इज येलो कलर, YAS से डिनोट किया जाता है. इसका क्या यूज है पता लगेगा अभी, जस्ट इसको डिफाइन किया गया है व्हाट इज येलो अमोनियम सल्फाइड. प्रिपरेशन ऑफ ओएस ओरिजिनल सॉल्यूशन, इट इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल एक्सेप्ट NH4+. इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग गिवन सॉल्ट और मिक्सचर इन अ सुटेबल सॉल्वेंट एज फॉलो. हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसकी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है ओरिजिनल सॉल्यूशन की. तो ओरिजिनल सॉल्यूशन से हम टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस ओरिजिनल सॉल्यूशन को जो भी सॉल्ट दिया उसको H2O में ऐड करेंगे. यदि वो डिसॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है. इफ इट इज नॉट डिसॉल्विंग इन H2O तो फिर हम उसमें डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे. सेकंड चेक, इफ डजंट डिसॉल्व इन H2O, यदि H2O में नहीं डिसॉल्व होता है तो फिर HCl, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन में ऐड करेंगे. फिर भी डिसॉल्व नहीं होता है तो कंसंट्रेटेड HCl में उसे डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे. थर्ड चेक, इफ डू नॉट डिसॉल्व इन H2O एंड डाइल्यूट एसिड, आफ्टर डिसॉल्विंग फिल्ट्रेट इज कॉल्ड ओरिजिनल सॉल्यूशन यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल. बेसिकली हमने किया क्या है यहाँ पर, हम एक ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके थ्रू हम टेस्टिंग स्टार्ट कर सकें. तो सबसे पहले विल ट्राई टू डिसॉल्व इन वाटर, हो गया तो बस अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन में, फिर भी नहीं हुआ कंसंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन में. ऐसे तीन ट्राई करना है, फाइनली कंसंट्रेटेड में डिसॉल्व हो जाएंगे. इज दैट ओके? क्या इतना समझ में आता है हमें? सर
एक बार पढ़ सकते हो तुम पूरा, यू डोंट नीड टू राइट एज अ फॉर्म, जस्ट पढ़ लो, थोड़ा सा समझ में आएगा खुद से पढ़ोगे एक बार तो। चले हम आगे। हाँ यस सर। चलो, नाउ द ग्रुप वन, देयर आर थ्री बेसिक रेडिकल्स इन ग्रुप वन, एजी प्लस, पीबी टू प्लस एंड एजी टू टू प्लस, क्लियर। और जैसा मैंने बताया, हमें पता ही होना चाहिए कि कौन सा रेडिकल्स किस ग्रुप में है। एजी प्लस, पीबी टू प्लस, एजी टू प्लस, यू कैन मेमोराइज देम them in such a manner, आज प्रभु होंगे, आज प्रभु होंगे, आज AG प्रभु, PB होंगे HG 22 plus। तो थोड़ा सा इजी होता है, मतलब मुझे भी ऐसा डायरेक्टली बोलेगा कोई कि याद करना है तो थोड़ा सा टफ होगा, इवन याद भी कर लेंगे शायद दो दिन बाद फिर भूल जाएंगे, बट उन्हें कुछ ट्रिक से थोड़ा याद रखेंगे तो इजी वे में रहता है, थोड़ा लंबे समय तक हमें याद रहेगा। और इन सब में जब हम HCl ऐड करते हैं, विच इज द बेसिकली ग्रुप रिएजेंट ऑफ ग्रुप वन, दे विल गिव प्रेसिपिटेट, पहले ने प्रेसिपिटेट दिया AgCl, सेकंड कैन गिव PbCl2, थर्ड कैन गिव Ag2Cl2, एंड ऑल हैव सेम कलर, व्हाइट कलर। तो आज प्रभु होंगे एंड प्रभु के घर में सब व्हाइट व्हाइट, सबका कलर व्हाइट है। डज नॉट डिजॉल्व इन कोल्ड वाटर, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है डिजॉल्व नहीं होगा कोल्ड वाटर में। Only PbCl2 dissolved in hot or boiling water, and again on cooling it give PbCl2 precipitate. So basically, they do not dissolve in hot and cold water both. सिर्फ एक PbCl2 है जो hot water में dissolve हो जाएगा, even on cooling it further precipitate, it gives further precipitate. So hot या boiling water में PbCl2 dissolve होता है, जो further हमें precipitate भी दे देगा cool होने पर। तो पहला testing हमने HCl किया, सब white color के मिल गए। यदि हमने उसको बॉइलिंग वाटर या हॉट वाटर में डिसॉल्व किया, AgCl विल नॉट डिसॉल्व, Ag2Cl2 विल नॉट डिसॉल्व, ओनली PbCl2 कैन डिसॉल्व। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक टेस्टिंग हो गई, जो फर्स्ट वे हुआ टेस्टिंग करने का। देन द सम मोर वेज, PbCl2 में K2CrO4 ऐड करो, PbCrO4 येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। हमें ये आइडेंटिफाई करना है इन तीनों में से कौन सा सब्सटेंस है। K2CrO4 ऐड किया, येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, PbCl2 कंफर्म हो सकता है। इफ यू ऐड Ki, यू विल गेट अगेन PbI2 येलो प्रेसिपिटेट। तो येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है हमें Pb2+। AgCl में तुमने अमोनिया ऐड किया, वेल नोन रिएक्शन है, AgNH3O2 एक सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है। डाइल्यूट HNO3 ऐड करोगे, यू विल गेट AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट फर्दर। अमोनिया में AgCl डिसॉल्व हो जाता है, AgNH2O2 सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। थर्ड वन, नेक्स्ट वन, AgCl कैन रिएक्ट विद K2CrO4 टू गिव Ag2CrO4 ब्रिक रेट प्रेसिपिटेट। यहां पे K2CrO4 ऐड किया था, यू आर गेटिंग येलो प्रेसिपिटेट, Pb2+ कंफर्म। इफ यू आर गेटिंग ब्रिक रेट प्रेसिपिटेट, Ag+ इज कंफर्म। Hg2Cl2 में if you add SnCl2, you will get grey color mercury, Hg plus 1 से 0 में reduce हो जाएगा, 3 oxidize हो जाएगा plus 2 से plus 4 में, redox change। तो इसमें अगेन बहुत ज्यादा कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की नहीं है, चीजें मेमोराइज करने की थोड़ी ज्यादा है। हम देखेंगे इसने इसके साथ एक किया येलो प्रेसिपिटेट, K2CrO4 ने Ag+ के साथ रिएक्ट किया डिग्रेड प्रेसिपिटेट, SnCl2 ने इसके साथ रिएक्ट किया, सो बेसिकली रेडॉक्स चेंज, ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट या ग्रे कलर का रेसिड्यू बच जाएगा, प्रेसिपिटेट ना बोले उसे एग्जैक्टली, लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाएगा। क्या ये पेज क्लियर है सभी को? यू डोंट नीड टू राइट एज ऑफ नाउ एनीथिंग, लेक्चर के बाद बैठ के थोड़ा सा लिख लेना फिर। आज प्रभु होंगे, प्रभु के घर में सब व्हाइट व्हाइट, ऑन एडिशन ऑफ HCl, then K2CrO4 PbCl2 के साथ येलो प्रेसिपिटेट,
K2CrO4 AgCl के साथ डिग्रेड प्रेसिपिटेट, KI PB ने येलो दिए KI और K2CrO4 के साथ। अमोनिया में AgCl डिसॉल्व हो जाएगा, सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। कुछ और रिएक्शंस देखते हैं इसके, जस्ट गो थ्रू दिस पेज एक बार, सब कुछ पढ़ते जाओ, मतलब साथ में पढ़ते जाओगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा फिर बात। चलो कुछ और रिएक्शंस, अगेन ये रिएक्शन जैसे हम ग्रुप वन ग्रुप टू में पढ़ेंगे, आगे भी धीरे धीरे वो रिएक्शन रिपीट होते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे रिएक्शन, काफी बार रिएक्शन का रिपीटेशन होता है, रिलेट कर सकते हैं तो चीजें इजी होने लगती है धीरे धीरे। Ag+ AgCl डिसॉल्व इन डायल्यूट NH4OH, डायल्यूट NH4OH और NH3 एक ही बात हो गई ना, NH3 पानी में मिलकर NH4OH बनाता है। तो AgNH3Cl के फ्यूमिंग काइंड ऑफ बनेंगे, डायल्यूट HCl एंड NHNO3 कैन न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ अमोनिया। तो वो जो एक्सेस ऑफ अमोनिया है वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा एंड AgCl प्रेसिपिटेट रीअपीयर्स। तो कुछ AgCl के प्रेसिपिटेट रीअपीयर्स हो सकते हैं, बेसिकली हमने किया क्या, NH4OH8 क्या AgCl में, वेयर AgNH3Cl2 बन गया, हमारे पास फाइनली ये प्रोडक्ट बन गया है। ऑन एडिशन ऑफ HCl और HNO3 इट कैन रिएक्ट विद अमोनिया, अमोनिया को रिएक्ट कर लेगा तो AgCl प्रेसिपिटेट रीअपीयर्स हो जाएंगे। समझ में आता है इतना, इज इट ओके? Ag+ CN-, हमने CN- ऐड किया AgCN बन गया, एक्सेस ऑफ CN- ऐड किया AgCN2 बन गया। और जहां तक मुझे ध्यान है ये रिएक्शन हमने एनायनिक एनालिसिस में भी देखा था, याद है HCN KCN Na2 H2O3 एक टेबल बना था पूरा, वहां पर किसमें डिसॉल्व हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है। सिमिलरली इफ यू ऐड एक्सेस ऑफ Cl- AgCl कैन गिव सोल्युबल AgCl2-। Ag पहले येलो प्रेसिपिटेट, AgI येलो प्रेसिपिटेट, क्या ये ध्यान है, इतना देखा गया था पहले भी, देवदत्ता धनंजय हर्षल करण AgCl AgBr AgI सबके कलर्स देखे थे हमने, व्हाइट पेल येलो येलो। चार बच्चों के नाम लिए, कोई रिस्पांस नहीं चारों का ही। हाँ सर देखा था। सोलिबिलिटी इन H2O, AgF इज सोलिबल, ये तीनों इनसोलिबल है, प्रेसिपिटेट बनाते हैं हमें पता ही है, ड्यू टू हाई कोवेलेंट कैरेक्टर दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, कोवेलेंट कैरेक्टर इज गिवन बाय फजान्स रूल, जितना बड़ा एनायन बेसिकली उतना ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, लेस आर द सोलिबिलिटी इन पोलर सॉल्ट। AgBr dissolved in concentrated NH4OH, not in dilute. AgI won't dissolve in concentrated and dilute NH4OH. AgCl dilute NH4OH में dissolve हो रहा था, AgBr will dissolve in concentrated NH4OH, while AgI will not dissolve in any of them. ना ही dilute में dissolve होगा, ना ही concentrated में. So basically इस पेज पर हमने देखा Ag+ से related reaction. डायल्यूट अमोनिया में क्या देगा वो, NH4OH सॉल्यूशन में क्या बनाएगा, जब उसमें HCl ऐड कर देंगे तो फर्दर प्रेसिपिटेट रीअपीयर्स हो जाएंगे, CN- के साथ वो एक्सेस ऑफ CN- एक्सेस ऑफ Cl- के साथ कॉम्प्लेक्स सोल्युबल कंपाउंड बनाएगा, क्लियर? उसके बाद सोल्युबिलिटी इन वाटर AgCl AgBr AgI AgF ये सब कुछ हमने देखा, इज दैट ओके?
अगेन नथिंग टू मच अंडरस्टैंड हियर, सिर्फ हम रिलेट कर सकते हैं. एट द सेम टाइम हमें रिएक्शन से जो याद करनी होगी. प्रतीक, ऋतुजीत, रिया, सही, इज दैट ओके? कुछ और रिएक्शंस. ऑल थ्री AgCl, AgBr, AgI डिसॉल्व इन एक्सेस Na2SO3 फॉर्मिंग कलरलेस एंड सोलेबल AgS2O3 होल टू आइस. इवन ये भी एनायनिक एनालिसिस में देखा गया है ना, हमने तीनों का AgCl, AgBr, AgI का Na2SO3 में क्या सोलेबल होंगे, कैसे डिसॉल्व होंगे, यार किस किस तीन अलग अलग सब्सटेंस में कैसे कैसे वो डिसॉल्व हो रहे होंगे ये देखा था. दिस इज ध्यान है इसका. तेजस, हाँ सर, उस चार्ट में देखा हुआ था हमने, वो पूरा टेबल बनाया था ना. AgBr यूज्ड इन फोटोग्राफी. AgBr when it comes into contact with photon it gives AgNBr. यहाँ पे जो excess of AgBr होता है that is removed from hypo solution Na2S2O3 से हम इसको remove करते हैं. clear? then potassium chromate जब हम add करेंगे Ag plus में CrO4 2 minus it give Ag2CrO4 brick red PPT. it is soluble in dilute HNO3 in ammonia and it is soluble in dilute HNO3 in ammonia solution, Ag2CrO4, brick red PPT. Ag plus OH minus, मतलब जो भी NH को OH लिया है हमने और कोई भी दूसरा बेस लिया है, it gives Ag2O brown color precipitate which is less stable, it dissociates the Ag2O dissociate, basically AgOH बना, AgOH will give Ag2O, AgOH is less stable, dissociates into Ag2O and H2O. हमने Ag प्लस में कोई भी बेस एड किया, बेस एड करने पे AgOH बना, AgOH इज लेस स्टेबल जो यहाँ पे लिखा हुआ है और इट डिसोसिएट हो जाता है Ag2O. Ag प्लस प्लस H2S विल गिव Ag2S ब्लैक प्रेसिपिटेट. ये हमने सल्फाइड में देखा था, सल्फाइड के मैक्सिमम प्रेसिपिटेट ब्लैक कलर के होते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम बट यस मैक्सिमम. Ag plus plus H2O3 2 minus ये Ag2S2O3 precipitate बनाएगा white color. इसको हम excess of H2O3 minus add करेंगे तो soluble complex बनाता है. But उस white precipitate को हमने heat किया, it further give Ag2S black precipitate जैसा last case में मिल रहा था. क्या इतना clear है? इस बार जो JEE advanced में question आया था वो मुझे ध्यान है Ag plus और Pb2 plus पे कुछ आया था, मतलब group 1 का ही था, तो group 1 ही सबसे बड़ा है, उसमें ही सबसे ज्यादा रिएक्शन है. जस्ट गो थ्रू दिस पेज. ऑल थ्री AgCl, AgBr, AgI डिसॉल्व्ड इन हाइपो सॉल्यूशन, AgBr यूज्ड इन फोटोग्राफी और शायद जहां तक मुझे ध्यान है फोटोग्राफी का डिटेल्ड रिएक्शन हमने देखा था DNA ब्लॉक. श्रीतोष, श्रेयस, क्या देखा था हमने डिटेल रिएक्शन? यस सर. देन पोटेशियम क्रोमेट पर रिएक्शन करवाया Ag प्लस Ag2CrO4 ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, ये तो पहले पेज पे भी लिखा था रिएक्शन. OH माइनस रिएक्ट करा, AgOH बना विच इज लेस स्टेबल, डिसोसिएट इनटू Ag2O एंड H2O. H2S के साथ ब्लैक प्रेसिपिटेट देगा Ag2S का. H2O3 के साथ लेसर अमाउंट मेट किया है, सबसे पहले बनेगा Ag2S2O3, एक्सेस एड किया डिसॉल्व हो जाएगा, बट लिमिटेड अमाउंट में एड कर हीट किया फर्दर ब्लैक प्रेसिपिटेट दे देगा Ag2S.
जितने भी कलर्स आ रहे हैं ना, ये कलर्स तुम्हें जैसा मैंने नैनी क्लासेस में बताया था, सेम पेज पे इवन यू कैन राइट ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, रेड कलर, बिग रेड, येलो, सब सारे कलर्स ब्लैक कलर के ये प्रेसिपिटेट हैं, ये है। इवन ये भी लिखना है कि प्रेसिपिटेट है या नहीं है। प्रेसिपिटेट है तो पीपीटी लिख सकते हो, नहीं है तो सोलिबल लिख सकते हो। PB2+ PB2+ PbCl2+ Cl- हमने PbCl2 में कुछ excess of Cl- ऐड किया, it give colorless PbCl4-2-, एक soluble compound बनाएगा। maximum cases में जहाँ पे हम excess of substance ऐड कर रहे हैं, soluble complex बना देता है, right? और ये जो Cl- है, it, we can provide it from concentrated HCl, concentrated KCl, excess of dilute HCl, even dilute HCl है, but excess में ऐड किया तब भी ये हो जाएगा। On boiling, PbCl2 dissolved, while other two remains insoluble. ये हमने first page पे देखा था। Boil करेंगे, PbCl2 dissolve हो रहा था, बाकी कोई भी dissolve नहीं होता है। PbCrO4 yellow precipitate. Again, we have seen this reaction on the first page already. CrO4 के साथ yellow precipitate बनाएगा, which is soluble in NaOH और HNO3, इसमें soluble हो जाता है। Sulphate के साथ white precipitate देता है, PbSO4, well known white precipitate. Clear? सल्फेट के जनरली प्रेसिपिटेट व्हाइट होते हैं, विच इज सोल्युबल इन कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड टू फॉर्म लेड एसिटेट, कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है, टेट्रा एसिटोलेट 2+ आयन, +2 चार्ज होगा लेड पर। I- के साथ PbI2, एक्सेस ऑफ I- PbIO4, सोल्युबल कंपाउंड। With OH minus any base, PB2+ will give PbOH2 as white precipitate. Excess of OH minus ऐड किया तो PbOH4-2-. Maximum cases में whenever you are adding excess OH minus, excess of any reagent, complex बनता है which is colorless soluble. इसको हम H2O2 के contact में लाएंगे, PbO2 बन जाएगा। H2O2 से oxidize कर देगा +2 से +4 में। PbO2 black color का होता है। इस केस में मतलब black color का बनेगा। सॉलिड फॉर्म में बाहर आ जाएगा। PB2+ NH4OH will give PbOH2 which is white, insoluble in excess of NH4OH. ये insoluble है, ध्यान रखना है, काफी बार चीजें soluble आती हैं, but this PbOH2 is insoluble in excess NH4OH. Next, PB2+ Na2CO3 will give PbOH2 dot PbCO3, basic lead carbonate कहा जाता है। बेसिक लेड कार्बोनेट। देन द लास्ट वन विथ हाइपो सोल्यूशन H2O32-, पहले व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया, एक्सेस ऐड किया तो फिर सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया। तो क्वेश्चन में ऐसा इंफॉर्मेशन दे रखते हैं, दिया हो सकता है इफ वी ऐड दिस रिएजेंट एट योर प्रेसिपिटेट, बट ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस रिएजेंट इट विल बी सोल्युबल, ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ रिएजेंट इट इज इनसोल्युबल। हमें पता लगना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट है, किसमें कौन सा इंसोल्युबल होगा। चेक कर लो पेज एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक। चले मांगे
नाउ द थर्ड आयन Ag प्लस देखा, Pb2 प्लस देखा, Hg2 2 प्लस, इसे मर्क्यूरस आयन कहा जाता है व्हेन Hg इन प्लस 1. Hg2 Cl2 which is white precipitate with NH4OH, it gives black residue. NH4OH के साथ ये black residue देता है, it gives disproportionation reaction with NH4OH, plus 1 से 0 में और plus 2 में चला जाएगा. Clear? Black color का residue बचेगा last में. Black residue dissolved in aqua regia forming Hg2Cl2. Aqua regia होता है HCl and HNO3 का combination in the 3:1 ratio. तो इस रेशो में जब हम HCl HNO3 को ऐड करेंगे, HGCl ये जो भी ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाए, ब्लैक रेसिड्यू बनाए, तो वो उसमें बेसिकली डिसॉल्व हो जाता है, HGCl2 बना देता है. HGCl2 plus SNCl4 Hg2Cl2 बन गया फर्दर. जो HGCl2 बना था ऊपर वाले रिएक्शन में, if he add SNCl2, SNCl2 खुद ऑक्सीडाइज होगा और Hg को रिड्यूस करेगा प्लस 2 से प्लस 1. यहाँ पे Hg प्लस 2 में है, यहाँ पर Hg प्लस 1 में है. Hg2Cl2 plus SnCl2 can react to give Hg gray precipitate, gray residue, not exactly precipitate. Precipitate और residue में यह difference होता है. Residue मतलब कुछ basically जैसे Hg liquid form में बाहर बच गया है, बाकी का सब vaporize हो गया है solution वगैरह, और precipitate solution से जो बाहर undissolved form में आता है. SnCl2 is a good reducing agent. खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा, Hg को प्लस 1 से 0 में रिड्यूस कर दिया है. या यहाँ पे पहले प्लस 2 से प्लस 1 में रिड्यूस किया, फर्दर SnCl2 ऐड किया, दो स्टेप पे रिएक्शन हुआ. क्लियर? पहले प्लस 2 से प्लस 1, देन प्लस 1 से 0. Hg2 2 प्लस प्लस Cr4 माइनस, Hg2 Cr4 रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा विद H2S, इट गिव HgS एंड Hg, ये कुछ कंपाउंड बनेंगे. Hg2 2 plus with Ki I minus, it give HgI2 green color precipitate, but in excess it will give HgIO4 2 minus. Hg2 2 plus plus Cl minus will give Hg in the form of liquid plus HgCN2, which is a soluble compound. So reactions with the various compounds जो हमें ध्यान रखना है. और रिएक्शन एक बार, दो बार, तीन बार जब पढ़ोगे और बार बार यूज भी आएंगे अलग अलग जगह, तो धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे. देख लो एक बार ऊपर से नीचे तक रिएक्शन पढ़ लो खुद से. चलो ग्रुप 1 कंप्लीट, ग्रुप 2. Group 2, there are a lot of cations, basic radicals in group 2, Pg2 plus, Sn2 plus, Pb3, Sb3 plus, Pb2 plus, Hg2 plus, Pi3 plus, Cu2 plus, As3 plus, Sn4 plus. Clear?
पीवी टू प्लस ग्रुप वन में भी था, ग्रुप टू में भी आता है, ग्रुप टू के भी ग्रुप रिएजेंट के साथ रिएक्शन देता है। ग्रुप रिएजेंट H2S इन डाइल्यूट HCl। अब डाइल्यूट HCl क्यों रखा है हमने, ताकि H2S जो सल्फाइड आ रहा है, दैट सल्फाइड शुड बी लेस, ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण H+ के प्रेजेंस में H2S का डिसोसिएशन काफी कम होगा, सो सल्फाइड आयन विल बी लेस। तो ये जिनका बेसिकली लेस सल्फाइड आयन पे भी जो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, मतलब जिनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ksp बहुत कम होता है, सिर्फ उन्हें प्रेसिपिटेट करेगा, जिनका Ksp ज्यादा होगा उन्हें प्रेसिपिटेट नहीं कर पाएगा। CDS, SNS, SB2S3, PBS, HGS, Bi2S3, CUS, AS2S3 and SNS5, SNS2, ये कुछ बन रहे हैं हमारे पास। You can memorize this cations in this manner. CD, सुन सब प्रभु हो गए बिंदास, कुछ ऐसा सुना चार बार। CD, cadmium, सुन SN2+, सब SB, antimony, प्रभु PB2+, हो गए Hg2+, पहले था Hg2 2+, Hg का मर्क्यूरस फॉर्म थे, मर्क्यूरी के बिंदास Bi3+, कुछ Cu2+, ऐसा आर्सेनिक 3+, सुना चार बार SN इन 4+, चार बार मींस 4+, ये पहले सुन 2+ था, फाइनली ये 4+ है। सबके कलर्स दे रखे हैं हमें, जो हमें याद ही रखना है, येलो ब्राउन ऑरेंज ब्लैक 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 येलो येलो, ये इनके कलर्स है ना। तो सल्फाइड के केस में मैक्सिमम ब्लैक कलर होते हैं, ये नहीं बोलूंगी सारे ही ब्लैक कलर होते हैं, तो जो ब्लैक कलर नहीं है वो तुम याद रखोगे तो सही रहेगा। PBS, HGS, Bi2S3, CuS, they are black color, arsenic, antimony, sulfide, they are yellow color, SNS is brown, CDS is yellow. Arsenic 3+, SN2+, SN4+, SB3+, ये yellow ammonium sulfide में soluble होते हैं, clear, YAS में, मतलब NH4 hold twice, SX में soluble होते हैं। और इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, अनसन पर बैठे सब, दिस आर सोलेबल इन येलो एमोनियम सल्फाइड, आर्सेनिक 3+, SN2+, SN4+, SB3+। इफ ब्लैक प्रेसिपिटेट डजंट डिसॉल्व इन HNO3 बट डिसॉल्व इन एक्वा रेजिया, HGS इज कंफर्म। ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल रहा है जो HNO3 में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, बट एक्वा रेजिया में डिसॉल्व हो रहा है, तो HGS कंफर्म हो जाएगा। इवन ये रिएक्शन हमने ग्रुप 1 में भी देखा था, HGS का एक्वा रेजिया में। CU2+ present रहा, ये CU2 FeCN6 बना सकता है, चॉकलेट कलर का precipitate होता है with FeCN6, yeah, K4 FeCN6 के साथ। और यदि हम KI में dissolve करेंगे, CuI2 बनाएगा, which is less stable, which dissociate into CU2I2 and I2, yellow color बनेगा। SN2+ रहा, उसमें HgCl2 add करोगे, SN4+ और Hg बनेगा grey color का। अब reaction से जो धीरे धीरे बार बार पढ़ते पढ़ते याद होंगी, अब कलर रिएक्शंस, नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर, देख लो एक बार सब कुछ।
चले नेक्स्ट पेज पर हम. सीडी टू प्लस केसीएन ऐड करोगे सीडी सीएन होल ट्वाइस वाइट पर सेपरेट बनेगा. एक्सेस ऑफ सीएन माइनस ऐड करोगे सीडी सीएन फोर होल सोल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. पीआईसी प्लस एनएच फोर ऐड किया बीआईओएच होल साइज बना. एनएच फोर सेल ऐड किया बीआईसीएल से बना. यदि तुमने इसको बॉइल किया वाटर में इट विल गिव वाइट प्रेसिडेंट ऑफ बीआईओसीएल. वेल नोन रिएक्शन है बीआई थ्री प्लस का. BI3 plus NH4O ऐड किया BI12 क्लोराइड ऐड किया BICl3 हीट किया बॉइल किया BIOCl वाइट प्रेसिपिटेट. चलो हमने ये जो चार पांच रिएक्शंस देखे बेसिक फंडामेंटल रिएक्शंस थे. हम थोड़े डिटेल में रिएक्शंस देखते हैं. ग्रुप 2 के ग्रुप रिएजेंट H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड. यहां पे ये एक्सप्लेन किया गया है व्हाई वी आर एडिंग डाइल्यूट एसिड सो दैट द रिएक्शन इज शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन and there is a less amount of sulfide ion. ताकि जिनका QS KSP कम है वही precipitate हो. So that the sulfide of only this group get precipitate while have very which have very low KSP. This group reagent is divided in 2A and 2B. Difference between 2A and 2B. 2A sulfide insoluble in yellow ammonium sulfide bias में insoluble होंगे. 2B वाले जो 2B है सेकंड ग्रुप को सेकंड पार्ट में डिवाइड किया गया है दे आर सोल्युबल इन YS येलो अमोनियम सल्फाइड. और येलो अमोनियम सल्फाइड में कौन सोल्युबल होते हैं जो भी हमने देखा था लास्ट पेज पर. ये चार आयंस हैं जो सोल्युबल होते हैं YS में. अनसन पर बैठे सब बाकी सब कुछ इनसोल्युबल होंगे येलो अमोनियम सल्फाइड में. येलो अमोनियम सल्फाइड कुछ भी नहीं है सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला है NH4 होल ट्वाइस SX. दिस इज येलो अमोनियम सल्फाइड. टू ए ग्रुप में Bi2S3 CDS PbS CuS HgS सिर्फ CDS को छोड़कर सारे के सारे ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं. चेक कर लो पेज जल्दी से एक बार. All 2A sulfides dissolved in HNO3 except HGS, which dissolved in aqua regia. Hg2 plus का reaction से हम देखें HGS plus aqua regia, HCl plus HNO3 in 3:1 ratio will give HgCl2 plus NO plus sulfur plus H2O. और HgCl2 में हम SnCl2 add करेंगे तो grey color का Hg मिल जाएगा हमें. SnCl2 से reduce कर देगा. Sulfur जो बना है it is if we heat sulfur in presence of HNO3, HNO3 sulfur को oxidize कर देगा sulfate में, 0 से plus 6 में. HGS plus Na2S sodium sulfide will give HgS2 2-, which is a soluble complex. National reagent K2HgIO4 बनाने का process Hg plus I- HgI2 excess में add किया HgIO4 2-, जो already पहले भी reaction देखा है हमने group 1 में. Alkaline HgIO4 2- is known as Nestler's reagent.
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, Hg2Cl2 plus NH4OH will give HGO dot Hg NH2 and Cl. White color का precipitate बन रहा है. Hg2 plus plus H2O3 2 minus will give HgH2O3 white precipitate. On addition of excess H2O3, it will give soluble complex. जबकि हम इसे heat करेंगे तो HgS black color का precipitate बन जाएगा. Apart from HGS, all groups 2A sulfide dissolved in HNO3, ऊपर भी लिखा था हमने. Hg2 plus plus cobalt 2 plus plus HCN minus will give COHgSCN4 precipitate, clear, which is a deep blue color crystal precipitate. इसका जो color होता है deep blue color होता है. Check करो एक बार सारे reaction खुद से. चलो हमने कुछ 10 पेजेस रफली किए हैं, 10-12 पेजेस और बचे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ना हो एक दिन में बहुत सारी चीजें हो जाए. ये 10 पेजेस मैं तुमसे शेयर करता हूँ ग्रुप पर, तुम उसे ट्राई करो अभी, 15 मिनट्स बचे उसे कॉपी कर लो क्लियर, और कॉपी करने के एक बार पढ़ लेना अभी फ्रेश, क्योंकि तो फिर जेई मेन्स पास में जाएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि ये सिलेबस जेई मेन्स का नहीं है तो नहीं करना, तो बेटर है एक बार अच्छे से पढ़ लेना इसे अभी, उसके बाद फिर भले जेई एडवांस के पहले देखेंगे, बट एक बार याद नहीं किया तो तब बहुत मुश्किल हो जाता है, वो छूट ही जाता है चैप्टर. इज दैट ओके? नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर बस एक चैप्टर बचेगा सरफेस केमिस्ट्री. अगेन छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बट यूजफुल चैप्टर है. ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूँ फिर मैं भी.